नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। गठबंधन में फिर भी आप वर्सेस कांग्रेस, चार पॉइंट में जाने एमपी में कांग्रेस को कैसे नुकसान, कमलनाथ नहीं चाहते भोपाल में INDIA की रैली। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, लेकिन आम आदमी पार्टी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA का हिस्सा होने के बावजूद एमपी में 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। वह खुद को कांग्रेस के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। नगरी निकाय चुनाव में आपने कांग्रेस के वोटों में सेंध मारी की है, जिसके चलते गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को नुकसान होने की आशंका है। हैदराबाद में रविवार को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक में मध्य प्रदेश में आपके प्रचार और चुनाव लड़ने को लेकर बात हुई है। इसी बैठक के अगले दिन 18 सितंबर को आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रीवा में सभा की। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में 3 रैलियां सतना, रीवा और भोपाल में कर चुके हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस की तरह ही 6 गारंटियां दी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी से सीधी टक्कर में कांग्रेस को आप नुकसान पहुंचा सकती है। ये भी माना जा रहा है कि आपके कारण ही भोपाल में होने वाली INDIA गठबंधन की रैली नहीं हो पा रही है। क्यों आपसे कांग्रेस को खतरा है और वो कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? क्यों कमलनाथ नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में INDIA गठबंधन की रैली हो? कांग्रेस नेता बोले, आप गठबंधन में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम चुप रहेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक में पूर्व मंत्री अजय माकन और पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने पूछा कि अगर आप पर भरोसा किया जा सकता है तो वो उन राज्यों में प्रचार क्यों कर रही है जहां सीधी बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई है? क्या इससे बीजेपी को मदद नहीं मिलेगी? कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस इसलिए चुप नहीं रह सकती कि आम आदमी पार्टी INDIA गठबंधन में शामिल है। इस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आश्वासन दिया कि आगे कोई भी निर्णय राज्य इकाई से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। इस बैठक के अगले ही दिन 18 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रीवा में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के आने से पहले दिल्ली में दो ही पार्टियां थीं, दोनों में अच्छी सेटिंग थी कि एक बार तुम राज करो, एक बार हम राज करें, एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।